देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा ग्राउंड लेवल की बातें बताता है। इस समय हम श्रीनगर की बात जो कि कवरेज है आपको बताएंगे। वहां से हमारे बशीर अहमद खान जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं, वो पल पल की खबर हम तक पहुंचाते हैं और हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक पहुंचे। और मिलिटेंट अटैक ज्वाइंट जो सिक्योरिटी फोर्स थी जो कंडीजाल ब्रिज एरिया पामपुरा बाईपास श्रीनगर में जो सीआरपीएफ के दो जवान जो है जख्मी हुए। जी बशीर जी बताइए किस तरह से जो आरोपी पर अटैक हुआ और क्या हुआ। बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो पामपुर इलाका है ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ता है और कंडीजाल एक पुल है जहाँ पर सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी दे अंजाम दे रहे थे। वहाँ पर मिलिटेंटों ने उन पर हमला किया जिसमें पांच सीआरपीएफ के अधिकार जख्मी हुए जिनमें से दो अस्पताल ले जाते दम तोड़ रहे थे। और क्या इसमें पांच जो सीआरपीएफ के जवान थे और तीन जो टोटल पांच जख्मी थे, दो जो जाते जाते जो कि जिन्होंने दम तोड़ दिया, ये कौन सी बटालियन थी और कहां पे थी ये सर? बटालियन अभी बटालियन का नंबर भी मालूम नहीं हुआ है अभी, बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद हम आपको बटालियन का ये नंबर भी सर भेज दिए। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक लश्कर ने सीआरपीएफ की ड्यूटी के दौरान जो वहां पर तैनात थे उन पर हमला किया गया सर। ये बार बार हमला करना और बार बार टारगेट करना सिक्योरिटी फोर्सेस को, कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट है वो बुखला गए हैं और बार बार हमारी सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बना रहे हैं बशीर जी, जिससे अगर अगर बात की जाए तो उनको कार्डन कर दिया गया है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये जो पूरा पामपुर इलाका है जहाँ पर वो वास्ट लगे हैं वहाँ पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, सील कर दिया गया। ये जो जूं श्रीनगर हाईवे पर ये जो इलाका पड़ता है पूरे इलाके में पामपुर में या साउथ कश्मीर में बिल्कुल जी बशीर जी, जिस तरह से आपने ग्राउंड से रिपोर्ट दी और कहीं ना कहीं लश्कर जो है अपना मिलिटेंट जो है तैयार किए हुए हैं वो फोर्सेस पर लगातार जो है हमले करवा रहा है, कहीं ना कहीं वो बुखलाया हुआ है। कोविड-19 की अगर देखे जाए तो एक तरफ फोर्स जो है कोविड-19 की महामारी को बचाने के लिए लोगों के अंग संग रहती है और दूसरा ये मिलिटेंट जो अटैक करते हैं उनका भी सामना करती है, कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो बुखला तो नहीं गए इस समय? बिल्कुल राजीव जी, अगर हम पीछे की 10 दिन पीछे अगर हम जाए तो फोर्सेस पुलिस आर्मी जो भी हो या बिल्कुल आपने बहुत सीढ़ी इसमें कोविड-19 अंजाम दे या किसी जगह पे ये लोग एक्सीडेंट में या किसी वीआईपी मोमेंट में रहती है, बिल्कुल एक लग रहा है कि एक इनपुट होती है जो मिलिटेंट हमला करती है सिक्योरिटी फोर्सेस पे। जी बशीर जी, जिस तरह से हमारे पांच जवान जो कि जख्मी हुए जिन्होंने दो ने जो है शहादत पाई है और बात करें तो जो तीन जख्मी हैं उनकी क्या हालात है? बिल्कुल सर, उन्हें निचली अस्पताल में मंतकिल किया गया है लेकिन बिल्कुल वो अभी तक वो सेफ है और चंद ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बशीर जी, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स पर छुप के हमले होते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की सेवा कर रही हैं, लेकिन ऐसे मुकाम पर हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि जो जख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द वो दुरुस्त हों और कहीं ना कहीं जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है कार्डन लगाकर बैठी है और उन्हें पक्का जो है इस बात का जवाब देगी और इसका बदला लेगी। बिल्कुल ये जो फौज है बिल्कुल इन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, वहाँ पर कोई बस की मौजूद नहीं है लेकिन एक वास्ट एरिया है जो बिल्कुल वास्ट एरिया में अभी तक सर्च अभियान चल रहा है, ड्रोन्स भी वहाँ पर मूवमेंट करते हैं। जी बशीर जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो कोई पता चला है कि कितने से कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों का दल जो आया था उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया।
बशीर जी, जिस तरह से तीन अमूमन देखा जाए तो तीन और चार ही बेचते हैं अटैक करने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि अपने जो हमारी जो फोर्सेस है इसको अटैक में लिया जाए, लेकिन हमारी आर्मी फोर्स जो है इंड है, जम्मू कश्मीर पुलिस है जो है वो सतर्क है, इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। जिस तरह से बशीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे कश्मीर से, उन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दी है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो वो इस बात का बदला जरूर लेगी। हाँ जी, आड़े आकर जो छिप के वार करते हैं, हमारी सेना का नुकसान करते हैं, लेकिन काटन करके हमारी सेना जो है उन्हें पूर्ण जवाब देती है। और कश्मीर से बशीर अहमद ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए, राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।